अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विरोध में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है, जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद करण महरा ने कहा कि हल्द्वानी में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि सरकार की निराशा को दिखाता है। जिस तरह सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। हल्द्वानी से दीपक अहिरवार की रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, छलावा किया है, और इसके विरोध में पूरे देश भर के युवा नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध मार्च हुई। इस प्रदेश की मैं विशेष अगर बात करूं, वैसे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए इस अग्निपथ योजना के आने के बाद। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए, ये स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। ये सुरक्षा खतरे में डाली गई है, जहाँ चाइना लगातार थ्रेट कर रहा है, चाइना लगातार हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहा है, 74 किलोमीटर लगभग लेह लद्दाख के पास आ गया है। हमारी ज़मीन में, भारत जिसको अपनी ज़मीन बताता है, उसमें 2 पुल बना दिए हैं, 1 गांव बसा दिया है। श्रीलंका आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो दिखाता ही दिखाता था। ऐसी स्थिति में फौज को और कमज़ोर करना निश्चित ही निराशा प्रदान करने वाला है, देश को खतरे में डालने वाला है। कांग्रेस का स्टैंड यही है।